हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीशा सिंह और आपका स्वागत है मेरे किचन में कुक विद अनीशा। आज की मेरी रेसिपी है करी बड़ी गुजराती स्टाइल में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये होली स्पेशल डिशेज है मेरे सारे वीक के, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी बनाना स्टार्ट किया है फर्स्ट। तो एक कप लेना है हमें यहाँ पर बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोडा लिया है, एकदम थोड़ी सी सोडा है ये, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। और इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमें डालना है पानी। तो पानी हमें थोड़ी थोड़ी करके डालना है क्योंकि इस बैटर को हमें एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। ये देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इस बैटर को कंप्लीट कर लिया है। ये बैटर बनाने के लिए करीबन मुझे एक कप पानी लगा है, एक कप से कम। इसे हमें अच्छे से फेंटना है करीबन 5 से 10 मिनट तक। ये मेरा अच्छे से मैंने मुझे 10 मिनट लगे फेंटने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी पानी। इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के हम पानी में डाल करके देखेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हुआ है या नहीं। तो ये हमारा जो मिक्सचर अगर पानी के ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए कि मिक्सचर अच्छे से कंप्लीट हो गया है और हमारा मिक्सचर का जो टेक्सचर है अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें तेल गर्म करने के लिए डाल दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सारे मिक्सचर के छोटे छोटे बरी के शेप में। और इस प्रोसेस को करने के टाइम आप बार बार अपने जो हाथों को है पानी से भिगो लें, नहीं तो ये जो बैटर है वो आपके हाथ में चिपकने लगेगा। ये देखिए मेरा कितना सुंदर सा ये फूल फूल करके बन गया है। हम ये गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा पकाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर फूला है, ये हमारे एक साइड से पक चुका है। तो मैं इसे टर्न कर लेती हूँ, ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में, ये दोनों साइड से पक चुका है। अच्छे से तेल निकाल करके आप इसे निकाल लें। अब मैं यहाँ पर कढ़ी के लिए ले रही हूँ एक कटोरी बेसन, 1 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर ले रही हूँ दही, ये मेरा दही रेडीमेड दही है अमूल का, हाफ कटोरी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें यहाँ पर डालना है पानी। तो यहाँ पर मेरा ये जग 4 ml का है, तो ये पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब यहाँ पर हमें फ़ोरन का तैयारी करना है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सरसों तेल, करी पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और
सरसों और प्याज। यहाँ पर सबसे पहले फ़ौरन के लिए हमें चाहिए सरसों और जीरा। इसे अच्छे से फूटने तक हम पकाएंगे। उसके बाद लाल मिर्च, थोड़ी सी मेथी, मेथी से स्वाद अच्छा आता है, और थोड़ा सा करिया पत्ता। यहाँ पर प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखा था, और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको अच्छे से भून लें, और एक टेबल स्पून हल्दी। इन सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन, या जब तक आपको सुनहरा ना लगे तब तक आपको इसे फ्राई करना है। ये देखिए मेरा पूरा जो है फोरन वो तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो हमें डालना है। इसे लगातार आपको चलाते रहना, अगर आप चलाना इसे छोड़ देंगे तो इसमें जो है लम्स आ जाएगी और ये अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसे रेगुलरली चलाते रहें करीबन 10 मिनट तक। ये देख सकते हैं आप अभी ये कितना पतला है। मैंने इसे 10 मिनट तक चलाया है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हो गई है, गाढ़ी हो गई है, और कितना सुंदर पीला रंग भी आ गया है। इसके बाद भी अभी आपको करीबन 5 मिनट चलाना है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा बॉईल आ चुका है। इस तरीके का बॉईल आ जाए तो आप समझ जाए कि जो हमारी कढ़ी है वो कम्प्लीट हो गई है। तो ये जो कढ़ी है मेरा कम्प्लीट हो गया है, तो हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हमें इसे एक बॉल में निकालने के बाद जो मैंने बरी बना करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। ये प्रोसेस आप बाद में ही करें, नहीं तो बरी को बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सा गार्निश करने के लिए, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है इससे, धनिया पत्ता मैं डाल दूँगी इसमें, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता। ये प्योर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप यूज़ करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस रेसिपी